आज हम लोग जिस सेक्शन को देखेंगे इसमें देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं इमेज को अपलोड करते समय। ठीक है, तो कई सारे इमेज वैलिडेशन आते हैं, जैसे कि फाइल साइज का वैलिडेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो बनाया है एक फॉर्मेट का वैलिडेशन। कई बार आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं ऑनलाइन इमेजेस में JPG, PNG या GIF इमेजेस अलाउड है, तो ये कैसे करेंगे और उसकी जो साइज़ है इसको हम कैसे वैलिडेट करें। तो एक्सटेंशन और उसका साइज़ का वैलिडेशन, ये दोनों लगाएंगे। और लास्ट में एक इम्पटी फाइल सिस्टम को भी हमको लगाना है कि अगर कोई इम्पटी अलाउ करे तो ये रोक दे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फाइल अपलोड वैलिडेशन, इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसे सीधे क्लिक कर दिया, यानी बिना चूज़ किए हुए मैंने क्लिक किया, तो क्या आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट इमेज। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये थर्ड वाला पोर्शन हमारा टिक लग चुका है, यानी पहला वैलिडेशन यहाँ पर काम कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पर, अगर मैं कोई अलग फाइल को यानी JPG GIF को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक फाइल है PDF, इसका एक्सटेंशन क्या है, PDF है। ठीक है, देख रहा है PDF फाइल है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। ठीक है, क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं इनवैलिड फॉर्मेट, प्लीज सेलेक्ट JPG PNG GIF फॉर्मेट वाली। ठीक है, इसमें लिख के आ रहा है कि यही फॉर्मेट अलाउ है, जिसका मतलब ये सेकंड फर्स्ट वाला भी हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है साइज का, साइज कैसे वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो साइज को हम लोग वैलिडेट करने के लिए देखते हैं, चलिए सबसे पहले तो इमेज पे आते हैं। अब देखिए ये इमेज तो सही है, इसकी साइज़ भी ठीक है, बट यहाँ पर इसमें देखें तो ये इमेज है PNG फाइल है और इसका साइज़ जो है वो 2.74 MB है। तो इस पर अगर मैं ट्राई करता हूँ तो देखिए क्या बताएगा, क्लिक किया है ये इमेज PNG फॉर्मेट भी है, यानी सही है, इम्पटी भी नहीं है, ये भी सही है, बट यहाँ पर ये सेकंड वाला देखिए एरर आएगा, क्योंकि इसकी साइज आपने देखा 2.74 था। क्लिक करते हैं जरा तो देख सकते हैं क्या बता रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट इमेज साइज लेस दैन 2 MB, यानी 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीनों वैलिडेशन हो गया। अब हम अगर करेक्ट फाइल चूज़ करते हैं तो करेक्ट फाइल चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर गया, मान लीजिए मैं ये फाइल को चूज़ करता हूँ, तो देख सकते हैं इसकी जो फाइल का टाइप है वो क्या है, PNG है, और जो साइज है वो 712 KB का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अलाउड है, तो देख सकते हैं क्या ये अलाउ करेगा। तो देखिए यहाँ पर यस फाइल इज़ अपलोडेड एंड अपलोडेड विथ परफेक्ट साइज एंड फॉर्मेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आप देख पाएंगे कि हम कैसे अपलोड के बाद प्रीव्यू कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि प्रीव्यू कराते समय हम कैसे प्रीव्यू करा सकते हैं। ठीक है, इमेज को बगल में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना VS कोड ओपन किया, यहाँ पर गए और एक फ़ाइल मैंने बनाई। ठीक है, इस फाइल का नाम रख दिया मैंने file upload.html। ठीक है, file upload.html, इसका मैंने बॉयलर प्लेट तैयार किया। बॉयलर प्लेट तैयार करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला क्या क्या करेंगे, जो फाइल से हमें डेटा नहीं चाहिए उसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया फाइल इमेज। अब इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने पहले के मैंने क्या किया, सेलेक्ट इमेज, मैंने एक मैसेज दिया और यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू इनपुट फाइल, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इनपुट फाइल, मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक पे क्या हो, एक फंक्शन चले जिसका नाम है वैलिड फाइल या वैलिड इमेज का एक वैलिड फंक्शन बनाया मैंने, ये बनाएंगे और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया वैल्यू अपलोड इमेज। ठीक है, ये मैंने इमेज का बटन दे दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इससे इतने से क्या हो रहा है। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट लाइव सर्वर को स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अभी इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिएट करेंगे डिज़ाइन के साथ। बट अब देखिए ज़रा क्या हुआ, अब बात आती है कि मुझे करना क्या है। करना ये है, जब ये हो गया इसके बाद एक डिब लगा लेते हैं जहाँ पर हम अपना स्टेटस प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डिब लगाया और स्टेटस का जो नाम रखा वो रख दिया स्टेटस, यानी एरर कोड, पता चलेगा क्या गड़बड़ हो रहा है या कुछ गड़बड़ होती है। अभी शो होने वाला है नहीं,
तो अब यहाँ करते हैं। अब बात आती है कि मुझे एक फाइल बनानी है, एक फंक्शन बनाना है, उसके पहले क्या करते हैं, एक फील्ड सेट जनरेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये देख सकते हैं, फील्ड जनरेट करेंगे तो फील्ड सेट जनरेट करने का फ़ायदा होगा, ये हमारा एक चारों तरफ बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हेडिंग देते हैं, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है लेजेंड, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेजेंड यूज़ करता हूँ। फाइल अपलोड वैलिडेशन, फाइल अपलोड वैलिडेशन यूजिंग यूजिंग मल्ली जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ये सारे वैलिडेशन लगा के देखेंगे। देखिए जरा इसका फ़ायदा क्या मिला, ये फ़ायदा मिला कि हमारा जो है ये जो लिख कर क्या है, इमेज फाइल अप फाइल अपलोड वैलिडेशन यूजिंग मल्ली जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर मैं फाइल की बजाय यहाँ लिख सकता हूँ इमेज, इमेज अपलोड वैलिडेशन, देख सकते हैं इमेज अपलोड वैलिडेशन यूजिंग मल्ली जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। अब शुरुआत किससे करते हैं, शुरुआत हम करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो हम हेड सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम बोलता वैलिड फाइल, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैलिड फाइल ये रहा फंक्शन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फाइल को एक्सेस करेंगे, तो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया वेर फाइल, इसका नाम रख दिया, फाइल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और मैं किसको एक्सेस करूँगा, एफ को, फाइल को एक्सेस करूँगा, फाइल आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ फाइल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे आना है, और अगर ऐसा नहीं होता इल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहला ब्लैंक वैलिडेशन लगा लेते हैं, ठीक है। और ब्लैंक वैलिडेशन के लिए मैंने क्या बोला कि इसको स्टेटस पे प्रिंट कराना है, ठीक है, बट अभी मैं क्या करता हूँ, अलर्ट करा देता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या होगा। प्लीज सेलेक्ट सेलेक्ट एनी, ये मैंने वैलिडेशन लगा दिया, प्लीज सेलेक्ट इन इमेज, ये वैलिडेशन लगा दिया, ठीक। अब बात आती है कि इसको चेक करते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं सीधे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने बिना चूज़ किए हुए किया तो क्या आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट एनी इमेज, यानी इमेज चूज़ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब पहला वैलिडेशन आपका काम कर रहा है, जो मैंने आपको थर्ड ऑप्शन दिखाया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, काम और कर लेते हैं, वो ये है कि वैलिडेशन क्राइटेरिया लिख देते हैं, तो मैंने लिखा वैलिडेशन क्राइटेरिया क्राइटेरिया, और यहाँ पर लगाते हैं डिव, डिव लगा करके डिव लगा देते हैं, और डिव को बंद करते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं फाइल अपलोड नॉट अलाउड, ये पहला वैलिडेशन लगा दिया, ये फर्स्ट वैलिडेशन हो गया, इसको मैंने कॉपी किया, ये किया पेस्ट पेस्ट, और सेकंड थर्ड मैं तीन ऑप्शन बनाता हूँ यहाँ पे, इमेज फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट मल्ली जेपीजी साइज इज लेस देन 2 MB इज अलाउड, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये इमेजेस हमें क्या करनी है, अलाउ करनी है, और ये तीन वैलिडेशन हमारे पास हैं जिसको हमने वैलिडेशन क्राइटेरिया, जिससे क्या होगा कि यूजर को पता रहेगा कि वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है। तो इम्प्टी फाइल अपलोड नॉट अलाउड, इम्प्टी नहीं हो सकता, पहला वैलिडेशन हमारा लग चुका है। अब ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं दो को हमको फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, जेपीजी जीआईएफ इमेजेस अलाउड होने चाहिए और 2 MB से ज़्यादा। तो ये जो साइज का है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट तक देखिएगा जैसे आपको ये बात क्लियर हो जाए। चलिए भाई, ये मैंने बना दिया, अब इससे क्या होगा कि मैं स्टेटस पे ये वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, तो स्टेटस प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम वही काम जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया, स्टेटस को पॉइंट आउट करना पड़ेगा,
गेट एलिमेंट बाई आईडी से, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया स्टेटस, और मैंने बोला कि स्टेटस को पॉइंट करो, आई थिंक समझ रहे होंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या है स्टेटस है, और उसको रेफरेंस किस में डाल दो स्टेटस नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये स्टेटस ही में ही होल्ड कर लिया मैंने। अब मैं ये बोलूँगा स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में ये डाल दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मैसेज दे देना प्लीज़ सेलेक्ट मल्ली इमेज, ठीक है। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, क्लिक किया मैसेज आ गया प्लीज़ सेलेक्ट मल्ली इमेज, ठीक है। तो ये पहला वैलिडेशन काम कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पे, अब मैं दूसरा वैलिडेशन लगाना चाहूँगा। दूसरा वैलिडेशन क्या है ध्यान से देखिएगा पूरा केयरफुली। अब दूसरे वैलिडेशन में क्या करेंगे हम लोग, ये डिसाइड करेंगे कौन कौन से क्राइटेरिया हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कौन कौन से अलाउड है। तो मैंने यहाँ लिखा वेर एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम रख दिया ए अंडरस्कोर अलाउड एक्सटेंशन। ऐसा करते हैं एक्सटेंशन एक्सटेंशन, ठीक है। और इसमें मैंने बता दिया कि मुझे कौन कौन सी फाइल चाहिए, मैंने बोला जे पी जी चाहिए अलाउड है, जी आई एफ अलाउड है, और सिर्फ पी एन जी अलाउड है, यानी तीन इमेजेस को मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आइए जरा यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहला क्या हम करेंगे कि मुझे एक्सटेंशन निकालना है, ठीक है। तो मुझे एक्सटेंशन निकालने के लिए उसके पहले मैं क्या करूँगा फाइल की वेरिएबल को होल्ड कर लूँगा, यानी वैल्यू को निकाल लूँगा। तो मैं कैसे निकालूँगा, वेर फाइल, या मैंने लिखा एफ अंडरस्कोर वैल्यू, या सीधे मैं लिख देता हूँ फाइल वैल्यू, फाइल वैल्यू इज इक्वल टू एफ वैल्यू इज इक्वल टू फाइल डॉट वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पूरा उसका वैल्यू जो भी रिटर्न हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको सीधे ऐसे भी कर सकता हूँ या सीधे ऐसे भी कर सकता हूँ, एफ वैल्यू, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर भी ब्लैंक के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, इससे पूरी वैल्यू आ चुकी है एफ वैल्यू में, ठीक है। अभी भी काम वही हो रहा है, चेक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो हमारा काम हो रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या, इससे क्या हुआ, मैंने जो एड्रेस निकाला था फाइल में आया था और फाइल की मैंने वैल्यू निकाल ली, मुझे ये पता चल जाएगा कौन सी फाइल सेलेक्ट हुई है। फिर मैंने उसको चेक किया कि अगर फाइल की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तब अंदर आ जा, और अगर नहीं है तो सीधा ये मैसेज दे दो स्टेटस में प्लीज़ सेलेक्ट एनी इमेज, ठीक है। इसका मतलब ये हमें दे सकते हैं। अब एक्सटेंशन को कैसे निकालते हैं, तो एक्सटेंशन को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैंने लिखा वेर एक्सटेंशन और मैंने लिखा एफ अंडरस्कोर ईएक्सटी, यानी फाइल एक्सटेंशन जो हम निकालने जा रहे हैं वो कैसे निकलेगा। तो मैं लिखूँगा एफ नेम, सॉरी एफ वैल्यू, इसमें वैल्यू थी डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग के अंदर, मैंने बोला ये दो आर्गुमेंट लेता है, पहला इंडेक्स कहाँ से, दूसरा इंडेक्स कहाँ तक। जैसे मैंने लिखा 0 to 5, इसका मतलब स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 5 मतलब एक कम तक जाता है, यानी 0 से लेकर 4 तक चलेगा, इसका मतलब ये होगा। तो 0 से लेकर 5 मतलब कितने एलिमेंट आपको निकालने हैं ये वहाँ तक हमको लिखना है, ठीक है। तो मैंने बोला एक्सटेंशन निकलेगा कैसे, ऐसे निकलेगा अगर कोई फाइल का नाम होगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ आपके सामने, अगर कोई फाइल है उसका नाम है abc.jpg, तो इसका मतलब है मुझे इस फाइल का एक्सटेंशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट का डॉट निकालना पड़ेगा। अगर मैं लास्ट का डॉट पता कर लूँ किस इंडेक्स पे है, तो और वहाँ से लेके मैं लेंथ तक अगर स्ट्रिंग को निकालूँ तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई फाइल है इसका नाम abc.jpg है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लास्ट वाले इंडेक्स पे जाना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी फाइल में इसमें बीच में भी डॉट हो, यहाँ पर भी डॉट हो, 1, 2, 3 डॉट हो, ऐसा कुछ करके हो सकता है, बट मुझे किस में जाना है, लास्ट, क्योंकि लास्ट में ही हमारा एक्सटेंशन पड़ा होगा। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले इंडेक्स पे जाऊँगा डॉट के इंडेक्स पे, और वहाँ से लेके लेंथ तक का मूरा, उसकी लास्ट के लेंथ तक मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग निकाल लूँगा। तो क्या करने वाला हूँ, देखो जरा यहाँ पर ये हुआ कि मैं लिखूँगा सीधे, अब लास्ट इंडेक्स कैसे निकलेगा, तो लास्ट इंडेक्स निकालने के लिए लास्ट इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन होता है, तो मैं क्या करूँगा एफ वैल्यू डॉट, सॉरी क्या होगा, ये रहा लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ कैपिटल स्मॉल, ध्यान से देखिएगा लास्ट इंडेक्स में आई कैपिटल है और ओ कैपिटल है, कैमल केस चल रहा है, जावास्क्रिप्ट है इसलिए, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉट, यानी डॉट जहाँ पर मिले उसका जो लास्ट इंडेक्स हो वहाँ से लेके फाइल वैल्यू के लेंथ तक जाऊँ। और लेंथ तक मैं क्यों जा रहा हूँ, एक कम तक क्यों नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये एक कम तक वैसे ही चलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेंथ तक, अगर लेंथ अगर 5 होगा तो ये 4 तक अपने आप चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि फाइल एक्सटेंशन मुझे यहाँ मिल गया। अब कहेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो चलिए भाई मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ
और एक काम ये भी कर सकता हूँ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग करते हैं, लॉग के अंदर एफ अंडरस्कोर एक्सटेंशन। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो कैसे पता चलेगा, F12 प्रेस करेंगे, ये देखिए ठीक है ना, अब देख सकते हैं ये कंसोल आ गया। अब कंसोल में क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पे जरा, अगर मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, सपोज़ ये है और मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल का एक्सटेंशन इमेज चूज़ किया, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो एक्सटेंशन आएगा वो आएगा .pdf, क्योंकि PDF फाइल थी। क्लिक किया, यहाँ पर गए और इस बार .jpg png पे किया, क्लिक किया, देखिए ज़रा .png, इसका मतलब मेरा एक्सटेंशन निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्सटेंशन ही तो निकालना था। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे और मुझे पता करना है कि ये जो एक्सटेंशन आया है क्या इनमें से है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम है इंक्लूड। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए, और मैं सीधा पहुँचा यहाँ पे और मैंने बोला इफ ext.includes what file underscore exist extension, अगर है, इसका मतलब सही है, अगर सही है तो इसका मतलब हुआ करेक्ट, वैलिड, इल्स क्या होगा इनवैलिड, और इनवैलिड के लिए मैं क्या करूँगा वही काम, ये यहाँ पर लिखेंगे इनवैलिड फाइल साइज। क्या करता हूँ यहाँ कंसोल में मैं एक्सटेंशन प्रिंट करा देता हूँ, और अगर नहीं होता है तो ये एरर देगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, चूज़ किया, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं PDF फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, ये पढ़े जरा, इनवैलिड फाइल सिस्टम आ गया, फॉर्मेट आ गया। और अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर क्लिक करता हूँ फाइल पर, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये देखिए यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट, सॉरी एक मिनट, क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, इस फाइल में एक्चुअली में डॉट नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ से जो आ रहा है डेटा वो डॉट आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए जरा इसमें एक्सटेंशन मैंने क्या लिखा, .jpg, .gif और png मैंने सीधे लिख दिया, तो यहाँ क्या करिएगा, डॉट लगाइए जिससे पता चले कि मुझे पूरी एक्सटेंशन की बात हो रही है, ठीक है। या फिर हम यहाँ से क्या करें, एक कम वैल्यू निकालें, तो बता, क्योंकि मेरी जो वैल्यू आ रही थी वो .png आ रही थी, .pdf आ रही थी, ठीक है, तो इसको मैं ध्यान रखना है। चलिए भाई अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए जरा अब सही चलेगा। तो मैंने यहाँ पर बोला PDF लिया, अब देखिए जरा एरर आएगी इनवैलिड फॉर्मेट, और इस बार अगर हम JPG या PNG फाइल लेते हैं तो क्या बोलेंगे, ये JPG फाइल है, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ये सही आ रहा है, इसका मतलब .jpg एक्सटेंशन सही है, अलाउड है, ये देख सकते हैं JPG PNG GIF अलाउड है, बट PDF अलाउड नहीं है। तो आपको ये काम होने लगा भाई, एक्सटेंशन हमारा काम करने लगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिसके लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, इस फाइल को बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है साइज कैसे चेक करें, हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ अपलोडेड इमेज, ठीक है। फाइल को अपलोड करते समय इमेज का वैलिडेशन कैसे लगाएं, साइज का वैलिडेशन, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक सब कुछ हो गया है, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और लगाता हूँ, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी साइज निकालना है। और साइज कैसे निकलेगी, साइज निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक है। तो कैसे फॉर्मेट निकालेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद एक्सटेंशन तक हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे वेर एफ अंडरस्कोर साइज, और साइज यानी फाइल साइज जो आ रही है, इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइल, तो मैं लिखूंगा फाइल डॉट, फाइल्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, फाइल जितनी भी अपलोड्स होती हैं उनके पास एक एट्रीब्यूट होता है उनका नाम फाइल्स, और उसके अंदर कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हो उसके लिए होता है आइटम, आइटम ऑफ, इसका मतलब ये है कि जितने एलिमेंट या जैसे जीरो, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, डॉट साइज नाम का एक एट्रीब्यूट है। अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, फाइल क्या है, जो जिस कंट्रोल से हम अपलोड कर रहे हैं फाइल, फाइल्स क्या है, उसके अंदर एलिमेंट है यानी एक एट्रीब्यूट है, जितने फाइल्स हम अपलोड करते हैं, कई बार हम मल्टीपल फाइल अपलोड करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फाइल्स नाम का एट्रीब्यूट है, और उसमें एक आइटम नाम का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इंडेक्स को एक्सेस कर रहा है कौन सी फाइल अपलोड हो रही है। तो मेरे पास, हमने सिंगल फाइल अपलोड करी है, तो इसका मतलब जो नाम होगा वो किस पे होगा, जीरो पे इंडेक्स पे होगा, क्यों, आप देख पा रहे होंगे हम लोग कितनी फाइल्स को सब अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ एक। तो जब मेरे पास एक ही फाइल सेलेक्ट हो रही है, चूज़ करिए ज़रा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक से ज़्यादा अपलोड होगा ही नहीं, ये देखिए मैंने एक सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखो हट जा रहा है, इसका मतलब एक ही फाइल सेलेक्ट ही हो रही है।
तो हमारे पास इंडेक्स जो होगा वो कहाँ पर होगा, जीरो पर होगा। तो फिर से देखिए जरा, फाइल क्या है, कंट्रोल है, कौन सा कंट्रोल है, ये जिस कंट्रोल से हम अपलोड कर रहे हैं। तो ये अपलोड कंट्रोल, क्योंकि इसको मैंने जो रेफरेंस है वो किसमें लिया, फाइल में। तो मैंने बोला फाइल डॉट फाइल्स, यानी फाइल के अंदर जितनी फाइल्स हैं उसका जो आइटम जीरो इंडेक्स पर है, यानी जो पहला इंडेक्स है, एलिमेंट है, उसकी साइज निकाल लो। बट प्रॉब्लम ये है कि जो साइज देता है वो बाइट्स में देता है, किसमें देता है, बाइट्स में। बाइट्स को काउंट करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सीधा यहाँ पे इसको पहले केबी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला फाइल एफ केबी, एफ अंडरस्कोर साइज अंडरस्कोर केबी, मतलब ये है फाइल साइज इन केबी, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा इसकी फाइल से, तो हम क्या करेंगे, फाइल की साइज को हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम 1024 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, आपको पता है 1024 बाइट होते हैं केबी में, तो उसको डिवाइड कर दें तो हमारा कम बन जाएगा, केबी में आ जाएगा। तो मैंने बोला इसके लिए मैथ फंक्शन यूज़ किया, और एक राउंड नाम का फंक्शन होता है, जिसके अंदर मैंने क्या पास किया, मैंने बोला फाइल साइज, फाइल साइज को डिवाइड कर दो, किससे, डिवाइड बाई 1024। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू आएगी ये राउंड करेगा, राउंडिंग वैल्यू देगा, इसलिए मैंने इसको राउंड किया। जो भी डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी उसको राउंड करके, भी पॉइंट में वैल्यू आएगी तो राउंड में डिवाइड करने के बाद इसमें डाल देगा। इसका मतलब इसमें हमारी ओरिजिनल साइज आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगाएंगे वैलिडेशन। क्या वैलिडेशन लगाएंगे, अगर इसकी साइज क्या है, मुझे 2 MB के लिए लगानी है, ठीक है। तो 2 MB का मतलब क्या हुआ, 2 MB का मतलब ये हुआ इसके अंदर आएंगे, यानी हमारा एक्सटेंशन तक सही है। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे इफ साइज इज लेस देन आर इक्वल टू 2048, क्यों, क्योंकि 1048 KB होगा 2 MB में, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये बात, कैसे, यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है भाई, 1024 एक KB में इंटू 2 अगर करें तो कितना आ जाएगा, 2048, यानी ये इतना क्या हो गया, MB हो गया, ये KB है, तो KB है तो ये बराबर कितना हो गया, 1 MB, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब सॉरी 2 MB, इसका मतलब ये हो 2 MB के बराबर ये साइज मिल रही है। तो हमें 2 MB तक देखना है, अगर 2 MB से छोटा है तब ठीक है, और अगर नहीं है छोटा तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स पार्ट लगाएंगे, और एल्स में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल्स में लगाएंगे प्लीज सेलेक्ट सेलेक्ट इमेज साइज लेस देन 2 MB, यानी 2 MB से कम की आपको अपलोड करनी है, यानी उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 MB के बराबर तक अगर है तब तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी अलाउ करेगा, और 2 से अगर ऊपर है तो ये एरर देगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, फट से यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड, फाइल सक्सेसफुली आने के लिए कि फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो रही है, ठीक है। अब जरा देखिए इससे क्या होगा, तो पहला एक काम करते हैं, सारे वैलिडेशन को एक बार चेक करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये फाइल जो है तो ये JPG PNG फाइल भी है, लेकिन इसकी साइज ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है। क्लिक किया, देखो क्या आ गया, प्लीज सेलेक्ट साइज लेस देन 2 MB, यानी 2 MB से छोटा करना है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं दोबारा और इस फाइल पे जाता हूं, इसकी साइज क्या है, 284 KB, इसको तो अलाउ करेगा, इसका मतलब क्या होगा, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, यानी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो रही है। तो देखिए हमारा सारा वैलिडेशन काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, सब कुछ सही है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और बताना है, जैसे कि इनवैलिड जो फाइल का फॉर्मेट है, यहाँ पर पता नहीं चला यूज़र को क्या है गलती। जैसे कि मैंने PDF फाइल पर क्लिक किया, क्या बताएगा, इनवैलिड फाइल फॉर्मेट, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा प्रॉपर कि कौन कौन सी फाइल आपने अलाउ किया हुआ है। तो मैं बोलूँगा इनवैलिड फाइल फॉर्मेट प्लीज सेलेक्ट एक्सटेंशन, हमारे पास है एक्सटेंशन के अंदर पड़ी हुई है फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, अब इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है देखिए जरा। अब मैं क्या करूँगा, चूज़ करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ जा करके अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बताएगा, देखिए जरा क्या बता रहा है, इनवैलिड फाइल फॉर्मेट प्लीज़ सेलेक्ट मल्ली JPG GIF या PNG फॉर्मेट मल्ली, ठीक है। तो इससे फ़ायदा मिलेगा, यूज़र को पता चलेगा कि भाई सिर्फ यही फाइल्स अलाउड हैं,
वैसे मैंने यहाँ क्राइटेरिया लिख दिया है, बट फिर भी आप यहाँ से प्रॉपर आप बता सकते हैं। अगर वो गलत करेगा तो यहाँ पर देखो दिख रहा है कि पीडीएफ फाइल है। अब देख सकते हैं कि सारा हमारा काम कर रहा है। एक बार फिर से हम पूरा रिकैप करते हैं और यहाँ देखते हैं कि सारा काम कर रहा है कि नहीं। तो पहला वैलिडेशन देखिए जरा, पहला वैलिडेशन ब्लैंक के लिए है, क्लिक किया, देखिए नो फाइल सेलेक्टेड, तो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एन इमेज, यानी पहला वैलिडेशन काम कर रहा है। दूसरा वैलिडेशन क्या है, जेपीजी फाइल का, तो देख सकते हैं फिर से मैं क्या करता हूँ, एक एचटीएमएल फाइल है मेरे पास, ये देखिए एचटीएमएल डॉट टीएक्सटी फाइल, इसको मैंने क्लिक किया, ये टीएक्सटी फाइल है। यहाँ पे क्लिक करेगा तो कहेगा इनवैलिड फाइल फॉर्मेट बिकॉज ये एचटीएमएल फाइल है। तो दो वैलिडेशन हो गए। तीसरा वैलिडेशन क्या है, साइज का। अब ये देखिए इमेज तो है, या ये देखिए मेरी इमेज है, लेकिन इसकी साइज है 2.28 MB, तो जेपीजी फाइल होते हुए भी इसको एरर देना चाहिए। चेक करते हैं, ये देखिए बता रहा है प्लीज सेलेक्ट इमेज लेस देन 2 MB, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको लगा दिया। अब आप देख सकते हैं सारे अपलोड हो, सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। लास्ट वन है, अब हम यहाँ पे करेक्ट फाइल देख कर देखते हैं, इसकी साइज़ है 712 KB की, तो ये अलाउ करेगा, बिल्कुल करेगा। ये देखिए फाइल अपलोड सक्सेसफुली। तो जिस पर्पज से हम लोगों ने ये वीडियो बनाया था, ये हमारा कंप्लीट होता है। बट इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक बड़े कुछ चीज़ें CSS ऐड कर देते हैं, जिससे ये देखने में लुक एंड फील अच्छा लगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, स्टाइल, और यहाँ पर बोला स्टाइल, मैंने बोला सभी एलिमेंट के लिए फॉन्ट फैमिली, और ये मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि फॉन्ट फैमिली ये होनी चाहिए। तो देख सकते हैं सबका फॉर्मेट ये हो गया। और मैंने एक और पॉइंट बोला कि पैडिंग जो है सभी में चाहिए थी, पैडिंग के लिए मैंने बोला कि पैडिंग क्या होनी चाहिए, 10px होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि इससे हमारा फॉर्मेट ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, पैडिंग हो गई। अब मैं चाहता था कि इसमें जो फील्ड सेट हम बना रहे हैं, फील्ड सेट इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसमें हम चूज़ करेंगे, तो मैंने ये बोल दिया था और ये मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा फॉर्मेट हमारे पास आ रहा था, ये आ गया। अब थोड़ी सी इस इमेज को हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, मैंने बोला जो भी डिब लगे हुए हैं उन सभी को क्या कर दो, उनका एक कलर चेंज कर दो बस, ठीक है। कलर चेंज करने में क्या बोला मैंने कि मैं थोड़ा सा जल्दी से है आपको डिज़ाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही इसको डिज़ाइन कर लीजिएगा अच्छा सा, बट मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आती है बात बटन की, ठीक है। तो मैंने बोला इनपुट के अंदर टाइप क्या, बटन हुआ, अगर बटन है तो क्या करो, उसका बटन है तो उसका क्या दे दो, कलर दे दो, और कलर में क्या दे देना, वाइट कलर मैंने बोला, और बैकग्राउंड कलर पूछा तो मैंने बोला कल बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन कलर कर दिया, देख सकते हैं इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, ऐसा बनेगा। बट इस पर थोड़ा सा और अच्छा सा लगाने के लिए बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, जिससे ये सर्कल इसका चारों तरफ का राउंड हो जाए। तो मैंने बोला 10px का फ़ायदा क्या होगा, ये आप देख सकते हैं इसका कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको तैयार कर दिया इमेज का फॉर्मेट। अब आप यहाँ चूज़ करेंगे तो ये वैसे ही फॉर्मेट आपको यहाँ पर अलाउ करेगा। चलिए भाई क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं एरर आ रही। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा CSS डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो जैसा आप चाहें, यहाँ से हमने 2-3 फील्ड को कर दिया, अब यहाँ से आप जैसा चाहें डिज़ाइन दे सकते हैं। ये था पूरा ऑल अबाउट वैलिडेशन ऑफ फाइल विथ साइज एंड फॉर्मेट, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे ये कोड आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए।